आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, देखिए इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है जी, तो देखिए हमें पहले विकल्प में दिया गया है एक्वेनिल। तो देखिए एक्वेनिल का प्रयोग हम अवसाद और अति तनाव के लिए करते हैं। ठीक है जी, इसका उपयोग करते हैं अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए। ठीक है जी, ये अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए काफी अच्छी औषधि के रूप में काम में आती है। तो पहला विकल्प हमारा सही है। अन्य विकल्पों को देखते हैं तो दूसरे विकल्प में दिया गया है सेरोटोनिन। तो देखिए जो हमारा सेरोटोनिन होता है ये क्या है, एक प्रकार का ब्रेन केमिकल है। ठीक है जी, और इस ब्रेन केमिकल का कार्य क्या है, इसका जो संबंध है वो हमारे मूड, ठीक है जी, हमारी भूख, नींद और इसके अलावा हमारे सीखने की जो आदत है उससे इसका संबंध होता है। इसका उपयोग अवसाद या अति तनाव के नियंत्रण के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं वैलियम का। ठीक है जी, तो हमारा जो वैलियम औषधि होती है इसका जो प्रयोग है, हम अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं शॉर्ट टर्म एंग्जाइटी ठीक है, एंग्जाइटी के इलाज में। ठीक है जी, अगर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है तो इसके इलाज में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम अवसाद और तनाव के नियंत्रण के लिए नहीं करते, उसके लिए हमारे पास इक्वेनिल है। फिर बात करते हैं सेकोनिल की, तो इसका प्रयोग भी हम अवसाद या अति तनाव के नियंत्रण के लिए नहीं करते हैं। तो अब इन चारों विकल्पों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर एक, इक्वेनिल नाम की औषधि का प्रयोग हम अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।